हरिकेश बहादुर जुड़ गए हैं बनारस से। हरिकेश, बनारस में भी बीएचयू में आज इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की शुरुआत हो रही है, वहां पर भी एक सेंटर है, तो किस तरह से बीएचयू तैयार है इसके लिए? आपको बताऊं तेजिंदर, कि यहाँ पे जो राज्य मंत्री हैं मानव संसाधन विभाग के, सत्यपाल सिंह कल ही आ गए थे यहाँ पे इसी हैकथॉन के लिए, और हमने उनसे बात भी की। उन्होंने बताया कि 47 जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके बच्चे जो है यहाँ पे बीएचयू में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। 8 बजे से अभी ये हैकथॉन शुरू होगा और 36 घंटे तक चलेगा। अभी मैंने बात की तो कोई केरल से, कोई जयपुर से, मतलब देश के कोने कोने के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के बच्चे आए हुए हैं। अभी मेरे साथ खड़े हैं हापुड़ के सीआईटी के बच्चे हैं, जो आपको ये बता पाएंगे कि ये पार्टिसिपेट करने आए हैं, क्या इनका उद्देश्य है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। मनाली, आप बताइए, ये जो हैकथॉन के लिए आप आए हैं उसमें क्या पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बताएंगे? ये ऐसे सब जानते हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिन पे हम सॉल्यूशंस लेके आए, डिफरेंट सॉल्यूशंस जो आगे फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं। ये करण है, करण आप लोग, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, आर मेन मोटो इज टू विन दिस कॉम्पिटिशन, कि हमारे को ये कॉम्पिटिशन विन करना है। अब उसके बेस मतलब उसके बेसिस पे हमारे को एक एंड्रॉयड ऐप बनाना है, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा कि मनाली ने बताया, तो उस स्टेटमेंट के लिए हम सॉल्यूशन मतलब प्रोटोटाइप बनाकर लेकर आए हैं। संतोष, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे हमको अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर मिलते हैं और उनके हम डिजिटल सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबने अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम किया है और उनके अलग अलग सॉल्यूशन है, वो सब हम देखेंगे और हमारा भी अपना सॉल्यूशन है और फिर देखेंगे कि किसका बेस्ट है। बिल्कुल हरिकेश, जिस तरह से जो बता रहे हैं, जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन, ये इनका ऐप जो होगा, ये जगह जगह की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके सॉल्यूशन के लिए होगा, जो भविष्य में भी काम आएगा अपने लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए। पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है हरिकेश, के आसपास गंगा नदी है, गंगा की स्वच्छता को लेके नमामि गंगे एक मंत्रालय बना है, जिसके मंत्री सत्यपाल सिंह जी हैं, उनसे भी मेरे इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये गंगा के स्वच्छता से लेके आसपास के जो पोल्यूशन है या जो भी इनोवेशन बच्चे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, उसका ऐप जो है ये बनाएंगे और मेरिट के आधार पर उनको इसका जो है ये कंपटीशन है, इसमें उस तरह से इनको। बिल्कुल हरिकेश, बीएचयू में भी जो छात्र मौजूद है पूरी तरीके से तैयार है, 8 बजे ये हैकथॉन शुरू होना है। निशांत हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। हरिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी